गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम गुरु जी से इतनी सारी चीजें मांगते हैं, कभी कभी वो अगर पूरी नहीं होती तो हम गुरु जी से नाराज हो जाते हैं या हम उनके पास आना बंद कर देते हैं। लेकिन किन संगत को ये नहीं पता होता कि अगर उनकी बात डायरेक्टली नहीं पर वो इनडायरेक्टली जरूर पूरी होती है। एक साल में, दो साल में या दस साल में पूरी तो जरूर होती ही होती है जो उन्होंने मांगा है। लेकिन उसके लिए मतलब मेहनत करनी पड़ती है। जैसे अगर कोई बच्चा यहाँ पे आए और वो बोले, उसने पूरा 2 घंटे का सत्संग अटेंड करा और वो बोले कि अभी थोड़े दिन पहले हमारे घर शिव अंकल भी आए तो मुझे उनके आने से बहुत अच्छा लगा, मैं रोज अमृत वेला भी उठ रही हूँ और अब दोपहर को मेरे को आना है लोहड़ी पे। मैं रात को भी बोल के सोई थी 2 दिन से कि गुरुजी मेरे को अमृत वेला के लिए उठा देना, तो फिर उन्होंने उठाया, उन 2 दिनों में उन्होंने उठाया है और मम्मा ने भी उठा दिया। और उसको ऐसा नहीं कि गुरुजी उसको चीटिंग करवाएंगे, गुरुजी उसको एग्जाम लिखने का कॉन्फिडेंस देंगे। मैं दिन में 12 घंटे 18 घंटे पढ़ाऊँ तो मुझे इसका पास कोई लालची आदमी आया और वो बोले कि उसने भी 2 घंटे का सत्संग अटेंड करा और वो यहाँ आके बोले गुरुजी मुझे 10 करोड़ रुपए दे दो, उसको ऐसे ही नहीं देंगे। लेकिन गुरुजी मतलब उस बंदे की अगर वो ऐसे कोई छोटी जॉब करता है उसकी बड़ी जॉब लगा देंगे और जिसके अंदर सैलरी भी डबल होगी, उसकी कंपनी भी अच्छी होगी और लेकिन मेहनत उसको डबल ट्रिपल करनी पड़ेगी। और मतलब इससे ये होता है कि अगर मेहनत नहीं करी तो फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना कि आप हमें ऐसे रोज अमृत वेले में बुलाते रहो, हम करते हैं सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना। अब ऐसा लगता है कि अब एक पूरी फैमिली हो चुकी है हमारी, कि रोज इंतजार होता है कि सुबह कब आपस में सबके साथ मिले, ऐसी सबको जोड़ रखना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जब से आ रहे कोई सेवा ही नहीं दी आपने, छोटी सी भी नहीं दी और आज ही उन्होंने उठा लिया कि आ जाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं तो आपके जितने शुक्राने करूं उतने कम है, मेरा रोम रोम आपका शुक्र गुजार है। इतनी प्यारी प्यारी संगतों को आपने भेजा, इतने प्यारे प्यारे बच्चे आए, बहुत ब्लेसिंग मिली है। और जहाँ बच्चे होते हैं गुरु जी को बच्चे बहुत पसंद है, आज बच्चों से गुरु जी ने भोग लगवाया, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। मैं इनको जान के अंदर ले गई थी कि इन्हें पता चले गुरु जी की थाली कैसे लगाते हैं, गुरु जी का भोग कैसे लगाते हैं। हम अपने घर से ही बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, हमें डरना नहीं चाहिए कभी भी। मैंने देखा है बहुत सारे सत्संग में ना लोग सेवादार ना बच्चों को सेवा नहीं देते हैं, माना कि बच्चों को सेवा ऐसी सेवा दो, डिस्पोजेबल उठाने की दो या उन्हें नैपकिन बांटने की सेवा दो, हाँ उन्हें चाय प्रसाद जल प्रसाद मत दो ताकि उनके हाथ से गिर ना जाए। पर बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, मैंने देखा है वो बड़ों से भी ज्यादा समझदार होते हैं, वो इतने केयरफुल होते हैं जब वो अपना काम इतने केयर से कर सकते हैं तो वो भोग भी लगा सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को आदत डालें अमृत वेले में उठने की। बहुत लोग हैं नेगेटिव है, अमृत वेले के खिलाफ भी जाते हैं, पर आप देखो ये बच्चों को किसी ने सिखाया नहीं है, इन बच्चों ने खुद बोला है कि हमें अमृत वेले उठ के बहुत अच्छा लगा, हम वेट कर रहे थे। तो मैं चाहती हूँ ये मैसेज सबके पास जाए, सबके बच्चे इस मैसेज को सुने और सबके पेरेंट्स ऐसे पेरेंट्स बने कि वो अपने बच्चों को अपने साथ अमृत वेले में लेके आए, हर सत्संग में लेके आए, उन्हें सेवा करनी सिखाए, तो आपके कई जन्मों के पाप कट जाएंगे, आप कभी लेट डाउन नहीं होगे, आपकी इतनी पढ़ाई में आगे निकलोगे, जो चाहोगे ना वो आपको गुरु महाराज देंगे। ये विश मांगना, गुरु जी हमें चढ़ती कला में रखना, हमें अपने साथ बनाए रखना, गुरु जी को बस इतना बोलो कि हमें अपने चरणों में बिठाई रखना और आप उनसे कुछ मत मांगो, वो आपको सब कुछ देते चले जाएंगे। जय गुरु जी।